ओम शांति। आज की तारीख है 28/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है, वह फिर उच्च पद पा नहीं सकते। उनको सदा ये कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है, खान पान की पूरी परहेज करनी है, याद में रहकर भोजन और खाने का अभ्यास करना है। नंबर दो, माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है और बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।